पे दीदी हो चुकी है रेडी। अच्छी लग रही हो। कल सब बोल रहे अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ कल नहीं अच्छे लग रहे हैं ये नागू वाले बाल वाले। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी अलग लुक में भी रहना चाहिए। हाँ सही बात है। अच्छी लग रही हो एकदम मस्त मस्त। और एक और हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो आपके नए ब्लॉग में स्वागत है, मतलब आप सबके चैनल में। तो अभी हमारा मेकअप होने जा रहा है और हम पार्टी का जो है वो लुक रिवील करने वाले हैं। तो मैंने सिस्टर जी से पहले से बोल रखा है, बुकिंग मेरी उनके पास है और अकाउंट में पैसे भी मैंने बहुत पहले ही ट्रांसफर कर चुकी हूँ इस पार्टी के लिए। और ये देखिए अब फाइनल लुक देखने जाने देखने के लिए आप लोग वेट करिए और मैं फटाफट इनका मेकअप करने के बाद अपना मेकअप करती हूं। हेलो। और फिर मिलते हैं, एक दो आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे। ठीक है, फिर इंतजार करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अभी मेरा मुंह भूत की तरह लग रहा होगा तो बात सही है, तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ, बाद में बस हेयर स्टाइल। और ये साड़ी पहनने वाली हूँ और ये ब्लाउज मैं बनारस से बनवाई हूँ। मैं कितना सुंदर ब्लाउज बनाती हूँ, उन्होंने मेरे ब्लाउज का जैसे कि तैसे ब्लू वाली कितनी सुंदर लगी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपना ब्लाउज देख देख के, इसीलिए मैं कभी किसी से नहीं सिलवाती हूँ। आंटी जी जैसा ब्लाउज सिल रही हैं बट कोई नहीं, आई विल मैनेज। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। ग्लू ले आई है क्या? फुल लुक नहीं, नाखून चिपकाने वाले। यहाँ पे क्या लगा रही है? सबसे पहले सीरम लगा लिया मैंने। ओह माय गॉड, क्योंकि वाइब नहीं मिला है मेकअप वाइब। वहाँ पे ये देखिए सिस्टी भी लगा रही है। क्या अब क्या है शुरू शुरू में क्या पहन लगा रही हो, बताती जाओ व्यूअर्स को। प्राइमर प्राइमर लगा रही है? नहीं हम ऐसे पोत लेंगे। अरे नहीं प्राइमर लगा लीजिए, हम ये सब नहीं लगाते हैं। वो मेल्ट यार बना ली मुझे बना ली प्राइमर। अरे पेटीकोट पहना भाई। हां अभी मेरा है पेटीकोट। बेटा ऐसे पकड़ो, ए बिट्टू ये पकड़ ले यार उनका। यहाँ पे प्राइमर दीदी लगाती हुई और फिर उसके बाद क्या उसके बाद दीदी यहाँ पे कंसीलर से कंसील करेगी जो भी इसके डार्क साइड सॉरी डार्क एरियाज हैं। नहीं वैसे तो यहाँ पे हाथ हाथ से पता चल जा रहा है। बना लेना थोड़ा तो यहाँ पे मेकअप हो रहा है। दीदी जो बोली है वो ही नहीं करने वाली है। तो वही रहे हैं प्लीज। हाँ मम्मी ये देखो चमका रही है सुंदर। ये बोलो उनके भरोसा का बच्चा नहीं बताए भरोसा इतना करो कि तोड़ने से पहले वो सो बार तुम सुनाई कर चुकी। अच्छा वो तभी मैं समझू सबका मेकअप क्यों नहीं कर रही है। हाँ जिस चीज़ का मेकअप कराना है पैसे ला के फिर दीजिए तब होगा मेकअप, तभी होगा मेकअप। हाँ भाई रोजी फ्री बुकिंग करानी पड़ेगी, पेट पे लात नहीं मारेंगे। क्या हो रही है, तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आप देख लो एक भी जगह नहीं दिखेगा। मेरी छोटी मामी कहाँ है? बंदू मामी। अरे रुक जा बंदू जी। हाँ ही बात है। हाय दही है। सुखंडी सुखंडी बड़ी है। यहाँ पे लाइनर मेकअप हो गया, आई मेकअप। एक गजब। दीदी तो आज खुश है एकदम। दीदी को चाहिए यही। कोई मेकअप कर दे उसका। ऊपर से चिस्टी भी कर रही है। वाह वाह मेकअप आर्टिस्ट। बल्ले बल्ले हो गया खत्म। आई मेकअप खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे उल्टा बैठी थी फैली गया। अच्छा अच्छा थोड़ा सा। यहाँ पे आई लेसेस भी लग रहे हैं, सब कुछ दीदी लगवा लेगी इनसे। मेकअप करता है वही जाता है तो उसे इतना ले जाना पड़ता होगा ना जी। और क्या है थोड़ा बहुत रखने पर, हम अपना बल्कि नहीं करते हैं आपको पता है। मुझे जो इंस्टाग्राम पे दिखता है ना बस इधर उधर उल्टा सीधा लगा चिपका लेती हूँ इधर उधर, बस काम करता हूँ। कहा है
देखो आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं एकदम लाल में। हाँ बहुत सुंदर। दो कलर में ही शेड में ही वही हाथों में जादू है। देखो उसमें अंदर अंदर एकदम गद 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 गद। सृष्टि दी आप भी मेकअप कर लीजिए। वो 5 मिनट में कर लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ 10 मिनट से बैठ के उनको एकदम पकड़ ली। करिए सारा मेकअप मेरा। हाँ आई मेकअप पे और भी रखा है फाउंडेशन, वो कहाँ चला गया? आपके पैर के नीचे फाउंडेशन हो गया। गुम दीदी और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, बेस कंप्लीट हो गया। बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, इनका फेस तो ऐसे ही ग्लो करता रहता है। क्या करेंगे ज़्यादा करके? तुम साड़ी पहनने को बताना, प्रो तान तो बहुत अच्छा लगता ये तो बहुत मजा आता है ना, सही बता? मस्त आराम से लेट हुई, खूब करी, उसको यही तो चाहिए कोई मेकअप करने वाला। हम लगभग सारे क्रिएटर का मेकअप कर चुके हैं। मुझे किसी ने कहा था, क्या बोलते हैं, लगभग सारे क्रिएटर का मेकअप कर चुके हैं। क्रिएटर ने कहा था क्या बोलते हैं उसकी औकात है कि वो पार्लर में अफोर्ड कर पाएगी। ए यार कह दो आ सृष्टि आई उसको हायर कर। प्यार है, आपका प्यार है, हायर तो हम आपको नहीं कर सकते। आपने प्यार से आपका दिल जरूर जीत सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। सबको छोड़ के दीदी मतलब यही प्राइस को लेके बोली अपने वीडियो में कि इतना तो है, अगर कोई गरीब से गरीब हमारे पार्लर में लड़की आ रही है तो वो ऐसे नहीं जाएगी, उसका मेकअप जरूर होगा। तो इससे पता चल जाता है कि दीदी का नेचर क्या है, दीदी क्या है। दीदी ऊपर से कभी भी अपने पार्लर से मैंने गरीब लड़कियां नहीं वापस की। तो वही चीज ना, मैंने वो वीडियो देखा था आपका। और यार जानते हो ये अभी नहीं, जब मैं बहुत अच्छा नहीं मतलब सोशल मीडिया पे नहीं थी तब से ये मेरी आदत थी। करवा उसी को कहते हैं ना कि फल देता है। अच्छी लग रही हो यार, नीचे जा रहा है क्या वो? उसको सेफ्टी पिन से यहाँ से लगा लो। दीदी सबको इतने लोग आए हुए हैं, सबको छोड़ के इन्हीं पे लगी हुई हैं शांति को सुंदर बनाने में। शांति मेरे साथ कितने समय, हम लोग जब से साथ में तब से लोग एक मिनट के भी हटे नहीं। अरे हद तो तब हो गई जब रात को ना दीदी इनके ऊपर पैर फेंक के सो रही थी, चटनी बना दी थी। साबिक की दीदी यार सबकी साड़ी हो चुकी है रेडी। हाँ अच्छी लग रही हो। कल सब बोल रहे अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ कल नहीं अच्छे लग रहे हैं ये नागू वाले बाल वाले। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी अलग लुक में भी रहना चाहिए। हाँ सही बात है। अच्छी लग रही हो एकदम मस्त मस्त। और एक सॉरी।